गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी गूगल फॉर्म्स पर हम कैसे काम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि गूगल फॉर्म्स पर हम काम क्यों करेंगे, क्योंकि अभी जैसा कि आप देख रहे हो हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो हम अपना जो वर्क है, वर्कशीट्स और लेसन से रिलेटेड अगर हम छोटा एग्जाम लेना चाहते हैं तो हम गूगल फॉर्म्स पर ही आपको लिंक्स भेज सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपका जो यूनिट वन हो और हाफ ईयरली एग्जाम हो वो भी हम गूगल फॉर्म्स पर ही लें आपका, क्योंकि ये बहुत सेफ है। अब इस पर हम काम करेंगे कैसे, तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि इस पर काम करने के लिए आपको किसी भी जीमेल अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। आपका अकाउंट किसी भी उस पर हो सकता है मेल का, इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आप जीमेल पर ही वर्क कर रहे हों, बस आपके पास में नेट होना ज़रूरी है। तो जैसे ही हम आपके पास ये लिंक भेजते हैं वो कुछ इस तरीके का आपको मिलेगा लिखा हुआ, docsgoogle.com, गूगल फॉर्म्स भी आ सकता है, और इस तरीके से आपको हम फॉर्म भेज करेंगे। अब जैसे आप इस लिंक पर नीचे जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करते हैं तो आप ये आपको एक दूसरे इंटरफेस में लेकर के जाएगा। ये देखिए इस तरीके से, ये असेसमेंट फॉर सुपर सेंसेस मैंने आपके लिए तैयार किया था, इसलिए मैंने आपसे ईमेल एड्रेस मांगा था। हो सकता है कि हम आपसे आपका नाम और सेक्शन मांगें, और जब ये रेड स्ट्राइक लगा हुआ है इसका मतलब है कि ये रिक्वायर्ड है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, इसके बिना आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो जो भी फिर क्वेश्चंस इसमें आपको दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे इसी फॉर्म पर, और उसके बाद में आप इस फॉर्म को पूरा कंप्लीट करने के बाद में आप इसको हमारे पास इस तरीके से जो नीचे ब्लू कलर से लिखा हुआ सबमिट है इसको आप सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे ये मेरे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा कि हाँ इस बच्चे ने ये फॉर्म या ये असेसमेंट को ट्राई किया है या कर लिया है या उसका काम जमा हो गया है। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ऑनलाइन हमारे पास ये मैसेज आ जाता है कि आप कितना काम किस बच्चे ने इस पर काम किया है, क्योंकि इससे पहले बहुत कम बच्चों ने इस पर वर्क किया था और मैं चाहती हूँ कि इस बार 100% बच्चे इस पर काम करें ताकि आने वाले टाइम में जो एग्ज़ाम हो तो आपको कोई परेशानी ना हो, उस दिन आप आराम से अपना एग्ज़ाम दें, ना कि आप अपने आप को इधर उधर परेशान करें कि अब हम क्या करेंगे। तो बार बार क्वेश्चंस पूछने से अच्छा है कि आप इस वीडियो को बार बार देख लीजिए, आप सीख जाएंगे कि गूगल फॉर्म्स पर हम काम किस प्रकार हमें करना है। मुझे लगता है कि वीडियो आपका बहुत काम का है और आप इसको ज़रूर देखेंगे, ये अपने पास लिंक जमा रखिएगा और इसको आप यूज़ करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ 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 पेरेंट्स इसके ऊपर काम करें बच्चों के साथ में ज़रूर से।